हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी के लिए साग बनाएंगे और देखिए जो कि 3 से 4 नंबर के कान्हा जी में आ जाएगा। बहुत ही प्यारा और सुंदर ये पोशाक है फ्रेंड्स। देखिए इसका इस तरह से कुछ लुक आएगा। इस तरह से हम इसको चाहे तो यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं और नहीं चाहे तो बटन भी लगा सकते हैं। वैसे हमने रस्सी लगा दिए बांधने के लिए। एक बार मैं फिर आपको खोल के दिखा देती हूँ ड्रेस को। हमारे पास 3 नंबर और 4 नंबर के कान्हा जी नहीं है फ्रेंड्स, नहीं तो हम पहना के भी आपको दिखाते। ये देखिए हमने 2 रस्सी लगाई है और ये इस तरह से ड्रेस है हमारी। ये देखिए ये ड्रेस हमारा इस तरह से है। आप कोई भी कलर में बना सकते हैं इसको। जब सिलाई करना होगा तो यहाँ से आप इसको अटैच कर सकते हैं। अटैच करके दोनों साइड से आप इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और प्यारा ये ड्रेस बनाने के बाद लगेगा फ्रेंड्स। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं, आपको बताएंगे। इसमें 30 फंदे हम डाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से दो फंदे, 3 फंदे, 4 फंदे। इसी तरह से हम 30 फंदे डाल लेते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे कि हमें कैसे बनाना है। 30 फंदे हमने इसमें डाल लिए हैं। अब देखिए इसके बाद हमें पहला वाला फंदा सिंपल ले लेना है, उतार देना है। और इसके बाद वाला जितना भी फंदा है हमें सिर्फ उल्टा बनाना है। इस तरह से हम उल्टा इसको बुनाई करेंगे। आइए हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेते हैं, इसके बाद आगे आपको बताएंगे कि इसमें हमें कैसे बनाना है। ये सिलाई हमारा उल्टा बन के कम्प्लीट है। अब दूसरा सिलाई है, इसमें भी हम उल्टा ही बनाएंगे। पहला फंदा उतार देंगे, एक सिलाई फिर हम इसको उल्टा कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा ये 2 सिलाई बन के उल्टा हो जाएगा। अब देखिए ये सिलाई भी हमारा बन के कम्प्लीट है। अब आगे वाली सिलाई में हमें एक फंदा उतार लेंगे, इसके बाद हमें ब्लैक कलर लगाना है। दो फंदा में ब्लैक बनाना है, इसके बाद 2 फंदा हमें ये ऑरेंज बनाना है, फिर 2 फंदा हम ब्लैक बनाएंगे, 2 फंदा हम ऑरेंज बनाएंगे। इस तरह से इस लाइन को हम पूरा करेंगे। आइए इसको हम इसी तरह से इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके आगे हम दिखाएंगे आपको कि हमें कैसे बनाना है इसको, इस पैटर्न को कैसे पूरा करना है। ये सिलाई हमारी पूरी हो गई। अब देखिए सीधी में जब हम आ गए तो इसको सीधा में हमें इसी तरह से बनाना है। उल्टा को उतार देंगे और सीधा को हम सीधा ही बुनाई करेंगे। फिर इस फंदा को ले लेंगे, इस धागे को आगे ले लेंगे, फिर उल्टा है तो इसको हम उल्टा बना लेंगे, फिर इसको पीछे कर देंगे धागा, इस धागे को आगे कर देंगे, संतरा वाला धागा से संतरा फंदा बनाएंगे और काला धागा से हम काला फंदा बनाएंगे। इसी तरह से इस लाइन को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो हम पूरा कर लेते हैं ये लाइन, फिर आपको आगे बताएंगे कि इसको कैसे बनाना है। ये वाली लाइन हमारी बन के कम्प्लीट है।
अब जब उल्टा में आएंगे तो देखिए इधर हमें पूरा सिलाई उल्टा ही बनाना है, पूरा सिलाई उल्टा कंप्लीट करना है। तो इधर तीन सिलाई हमने बनाया था ऑरेंज से, तो ऊपर भी हम तीन सिलाई खाली ऑरेंज से बनाएंगे, दोनों साइड से उल्टा ही बनाना है हमें। अभी हमें ब्लैक धागा का कोई काम नहीं है, तो इसको हम काट के यहाँ से निकाल भी सकते हैं। तो आइए हम निकाल लेते हैं पहले इसको। देखिए दो सिलाई हमारा बन गया, तीसरा सिलाई जा रहा है, तो तीसरा सिलाई में इसको हम बंद कर देते हैं इसी तरह से। बंद भी हमें बहुत ही सिंपल तरीके से करना है, दो फंदे को एक साथ लेना है और एक फंदे को इस पर चढ़ा देना है, साथ में लेकर के एक फंदा को और बंद कर देना इस तरह से। फिर इस फंदे को इस पर ले लेंगे और फिर एक फंदा साथ में लेकर के दो फंदे को एक साथ हमें बंद कर देना है, ना ही ज़्यादा हमें टाइट करना है ना ही ज़्यादा हमें लूज करना है इसको। देखिए इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे ताकि ऊपर और नीचे का दोनों हमारा बराबर हो जाएगा लाइन। तो आइए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से। ये हमारा पूरा हो गया है लाइन, और देखिए एक पट्टी हमने तैयार कर ली है। सेम ऐसे ही दूसरी पट्टी एक और हमें तैयार करना है इसी तरह से। ये हमारा उल्टा है और ये हमारा सीधा है। तो आइए एक और पट्टी हम तैयार कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे कि इसको कैसे बनाना है। हमने सेम सेम दो पट्टी बना ली है देखिए इस तरह से, दोनों हमारी सेम है। अब देखिए हमें इसके आगे क्या करना है, हमें इसमें से धीरे से आराम से फंदा लेना है, इस तरह से निकालना है। इस तरह से हम फंदा निकालेंगे, एक फंदा दो फंदा इसी तरह से हम देखेंगे कि हमारा कितना फंदा निकल सकता है इसमें, तीन फंदा, चार फंदा, पांच फंदा, छह फंदा, सात फंदा, सात फंदा हमारा इसमें निकल गया है। अब इसके साथ ही इसको अटैच कर लेंगे, इसको भी हम यहीं से निकालेंगे, इसमें भी हमें सात फंदा निकालना है। तो आइए हम निकाल लेते हैं, दोनों पर मिला करके हमारा 14 फंदा होगा। इसके बाद हम निकाल के 14 फंदा तब आपको दिखा रहे हैं कि आगे हम कैसे बनाएंगे। देखिए इस पर हमारा 14 फंदा हो गया, एक बार और हम काउंट कर लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। अब 14 फंदा हो गया, तो पहले इसको एक सिलाई हम उल्टा बना लेते हैं, इसके बाद सीधी सिलाई में हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे बनाएंगे हम। अब देखिए इसके आगे हमें कैसे बनाना है, एक फंदा हम इसको सीधा बना लेंगे, एक और फंदा इसको हम सीधा बना लेंगे। इसके बाद देखिए एक हमें नेट डालना है यहाँ पर, एक और नेट डालेंगे हम यहाँ पर, फिर दो फंदा हम सीधा बना लेंगे, एक फंदा, ये दो फंदा हमने सीधा बना लिया, एक यहाँ पर हमने नेट डाला यहाँ पे, फिर एक और हमने यहाँ पर नेट डाला। फिर दो फंदा हम सीधा बना लेंगे, फिर एक नेट डालेंगे यहाँ पर हम, फिर एक और नेट डालेंगे हम यहाँ पर, फिर दो फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे इस तरह से। अब पीछे के साइड में जब हम आएंगे
तो पूरा सिलाई हमें उल्टा बनाना है। तो उल्टा वाला सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद सीधी सिलाई में हम आपको दिखा रहे हैं कि हमें कैसे बनाना है। देखिए अब हम सीधी सिलाई में आ गए हैं, तो एक फंदा हम जो हमने सीधा बनाया था इसको उतार लेंगे और दूसरा वाला फंदा हम बुनाई करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर हमने जो नेट दिया था तो एक हमारा फंदा बढ़ गया है, तो यहाँ पर इस तरह से फिर हम एक नेट डाल देंगे तो हमारा ये फंदा एक फिर इस तरह से बढ़ जाएगा, और फिर यहाँ पर भी एक हम नेट डाल देंगे। फिर इस फंदे को हम बुनाई कर लेंगे, हमारा नेट के जरिए एक एक फंदा बढ़ते जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर हमने बुनाई किया था, यहाँ फिर एक नेट डालेंगे हम, फिर इस फंदा को इस तरह से बुनाई करेंगे, फिर यहाँ भी एक हम इस तरह से नेट डाल देंगे, फिर इसको हम बुनाई करेंगे इस तरह से। जहाँ पर हमारा नेट डाला हुआ है वहाँ पर हमें नेट डालना है, फिर इसको हम बुनाई करेंगे, फिर यहाँ पर एक नेट डालेंगे, फिर इसको बुनाई करेंगे हम, फिर एक यहाँ पर हम नेट डाल देंगे। इस फंदे को हमें सीधा बना लेना है। इस तरह से हमने बुनाई कर लिया है इसको, अब सीधा हमारा हो गया है। उल्टा के साइड से हमें प्लेन उल्टा ही बनाना है, तो यहाँ पर हम ब्लैक कलर लगा सकते हैं, तो आइए हम ब्लैक कलर लगा लेंगे उल्टा में। और पूरा सिलाई हम उल्टा ही बनाएंगे इसको, कुछ नहीं करना है पीछे में, हमें सिंपल उल्टा ही बुनाई कर देना है। तो आइए एक सिलाई पूरा कर लेंगे, फिर हम आपको सीधा में दिखाएंगे कि फिर हम कैसे बनाएंगे। देखिए अब हम सीधा में आ गए, तो सीधा में फिर इस फंदे को हमें उतार लेना है और इस फंदे को हमें सीधा बुनाई करना है। जहाँ पर हमारा नेट आएगा वहाँ पर हम नेट डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा नेट आ चुका है, यहाँ पर इस तरह से डाल देंगे इसको। यहाँ पर भी देखिए हमारा आ गया है, नेट डाल देना है और ये वाला लाइन हमारा सीधा का सीधा ही जाएगा। और फिर इसको हम सीधा बुनाई करेंगे इस तरह से, बहुत ही ड्रेस बनके प्यारा लगेगा फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए यहाँ पर फिर हमारा आ गया है, तो यहाँ पर हम नेट डाल दे सकते हैं क्योंकि नेट डाला हुआ है। और फिर इसको सीधा बना लेंगे, फिर देखिए यहाँ पर हमारा नेट आ गया है, तो यहाँ पर हमें नेट डालना है। फिर देखिए इसके पास में ही देना है, देखिए यहाँ भी देना है, एक लाइन हमारा सीधा जा रहा है और उसके पास में हमें नेट देना है। अब उल्टी सिलाई में जब आएंगे तो हमें सिर्फ इसको उल्टा बनाना है। आज तो आइए इस पैटर्न को हम पूरा करते हैं इसी तरह से। अब सीधा बना रहे हैं हम, सीधे सिलाई में आ गए, तो फिर देखिए इस तरह से इस पैटर्न को हम पूरा करेंगे। आप किसी भी साइज के गोपाल जी के लिए ड्रेस ट्राई कर सकते हैं। देखिए इस तरह का डिजाइन बनेगा इस पर, इस तरह का बनेगा, एक यहाँ पर हमने बनाया है, एक यहाँ पर बनाया है हमने।
फिर यहाँ पर हमारा नेट आ गया है डालने के लिए, तो यहाँ पर एक हम नेट डाल देंगे। अब ब्लैक वाला लाइन हमारा यहाँ पर समाप्त हो रहा है, हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें ऑरेंज लगाना है, तो हम ऑरेंज कलर लगाएंगे। इस तरह से ऑरेंज लगा लेते हैं हम। ऑरेंज लगाएंगे तो खाली ब्लैक ही हमें बनाना है पूरा सिलाई, सॉरी फ्रेंड्स, हमें ऑरेंज ही बनाना है, ब्लैक का भी यूज नहीं करना है। इसी तरह से हम इनके लिए कुछ आगे ये कंप्लीट करते हैं, इसी तरह से डिजाइन दे करके। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमारा ये कैसा बन के रेडी हो रहा है। ऐसे ही हमने अब ऑरेंज से ब्लैक लगा दिया है इस तरह से। ऐसे ही थोड़ा सा और हम बना लेते हैं नीचे का झालर, तब आगे बताएंगे कि इसके बाद हमें क्या बनाना है। इस तरह से देखिए हमारा यहाँ तक ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है ये वाला। अब देखिए हमें क्या करना है कि इसको हमें बंद कर देना है, दो फंदे एक साथ में लेकर के इस तरह से इसको हम बंद करेंगे, इस तरह से इसको हम पूरा करेंगे। ना इसको ज़्यादा टाइट करना है, ना इसको हमें ज़्यादा लूज करना है। इस तरह से इसको हम किनारे को बंद करते आएंगे। तो आइए हम बंद कर लेते हैं। बंद करके आपको दिखा रहे हैं कि ये बंद करने के बाद कैसा लग रहा है देखने में। इसके बाद हम आगे बताएंगे कि इसको हमें कैसे बनाना है। इस तरह से ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया है, ये देखिए हमारा इस तरह का लुक आएगा कपड़े का। इसमें क्लियर आपको डिजाइन भी दिख रहा है फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, ये जो हमारा आगे वाला पार्ट है ये वाला, इसको हमें एक के ऊपर एक को चढ़ाना है इस तरह से। चढ़ाने के बाद में इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में ये देखिए, फिर से मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ, ये इस पार्ट को एक के ऊपर एक हमें चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद में इसको हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको हमें इस तरह से करना है। तो ये हमारा ऐसे इस कपड़े का लुक आ जाएगा, इस तरह से हमारा ये बनेगा आगे का पोर्शन। इस फंदे को जैसे हमने यहाँ पर उठाया है ऐसे इसको उठाएंगे, और जब इसको हम खोलेंगे कपड़े को तो इस तरह का हमारा आ जाएगा, इस तरह का ये बनेगा। तो यहाँ भी हम सेम पैटर्न बनाएंगे जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया था, ये दोनों साइड में इधर और इधर हमने बनाया है। तो आइए इधर हम बना लेते हैं, बना करके ऐसे ही फंदे उठाएंगे और बना करके आपको फिर दिखाएंगे। तो चलिए रेडी करते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों सेम बना लिया है, एक साइड का हमने बनाया था सेम वैसे ही बनाना था हमने, तो दोनों साइड का बना के कंप्लीट कर लिया है। और दोनों साइड में देखिए हमने रस्सी भी लगा दी है इस तरह से। अब देखिए अगर आप इसको चाहें तो यहाँ से इसको सिलाई भी लगा सकते हैं इस तरह से। देखिए हमारा ब्लैक पर ब्लैक और ऑरेंज पर ऑरेंज आ जाएगा, और यहाँ से भी आप सिलाई कर सकते हैं। और जब ये ड्रेस हम पहनाएंगे गोपाल जी को तो ये इस तरह से हमारा लुक आएगा ड्रेस का। और ये रस्सी हमने लगाया है, आप चाहें तो यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं दोनों साइड में, नहीं चाहें तो हमने ये रस्सी भी लगा दिया इस तरह से पहना करके। आप पीछे इस तरह से आप बांध सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। और हमारा ये ड्रेस बन के कम्प्लीट है, और इस तरह से ही हमारा ड्रेस बन जाएगा गोपाल जी का। तो आपको अगर ये ड्रेस पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो पर कमेंट कर दें, शेयर करें।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।